स्टार्टअप इंडिया और स्वरोजगार योजना से प्रेरित होकर अब पढ़े लिखे युवा खुद का कारोबार शुरू कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। खासकर कृषि और उससे संबंधित व्यवसाय की ओर युवाओं का आकर्षण बढ़ा है। हरिद्वार में आयोजित औद्योगिक मेले में कई युवा कृषि से जुड़े उत्पादों का प्रदर्शन करते नजर आए। इन्हीं में से एक हरीश कुमार मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद हरीश कुमार ने स्टार्टअप के तहत मशरूम और उससे बने उत्पादों का व्यवसाय शुरू किया। इसके लिए उन्हें सरकार और विभाग से भी काफी मदद मिली। इंजीनियरिंग करने के बाद हमें मशरूम के उसमें आने का सबसे पहले तो ये लगा कि हमें इसमें इसलिए आना चाहिए क्योंकि ये काम ऐसा है कि सरकार इस पर बहुत फोकस दे रही है। उत्तराखंड गवर्नमेंट कह रही है कि हर युवा आगे बढ़े और कम से कम अपने रोजगार की तरफ आए, तो उसमें हमें ये बेनिफिट मिला है कि हमें कम इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा अपना स्टार्टअप करने का मौका मिला। फिर उसके साथ ही साथ धीरे धीरे आज हमें विभाग का इतना सपोर्ट है कि हम लोग जैसे मशरूम में पिकल्स बना रहे हैं, उसके साथ बहुत सारी वेराइटी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा करियर इसमें अपना देखने को मिल रहा है, जिससे हमें काफ़ी मदद मिल रही है। हम अपने आप को लोगों के सामने रख पा रहे हैं, कस्टमर के सामने, और बहुत बड़े लेवल पे धीरे धीरे हमारा काम बढ़ रहा है। हरीश कुमार का कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर बनने के संदेश से प्रेरित होकर उन्होंने मशरूम उत्पादन शुरू किया। उनके द्वारा बनाए जा रहे मशरूम के अचार की काफी मांग है। आज वो आत्मनिर्भर हैं, साथ ही अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। 2019 में हमने ये काम शुरू करा था। धीरे धीरे हमने पहले फ्रेश मशरूम का उत्पादन किया। धीरे धीरे उसके साथ जब हमें लगा कि मशरूम की कीमत अगर मार्केट में किसी बिचौलिया को अगर हम देते तो वहाँ हमें अपनी कीमत नहीं मिल पाती, हमने लोगों को डायरेक्ट देना स्टार्ट करा। उसके बाद जो हमें लगा कि इसके और भी उत्पादक प्रोडक्ट हमें निकालने चाहिए, उसमें हमने पिकल बनाना स्टार्ट करा। फिर कस्टमर को जैसे हमने अपना टेस्ट दिया, उन लोगों को पसंद आया, धीरे धीरे करके उन्होंने डिमांड करा कि वो और भी पिकल्स, और भी वेराइटी के पिकल। तो आज हम लोग कम से कम अपना मंथली का 90,000 का अपना टर्नओवर निकाल देते हैं इस काम से। बाकी धीरे धीरे अभी हम लोग विभाग की तरफ से कोई सहायता या अपने अचार वगैरह के लिए एक प्रोसेसिंग यूनिट लगवा रहे हैं, जिससे हमें आगे हम अपना जो सामान है अपने प्रोडक्ट्स स्टोर्स में, मॉल्स में, दुकानों में, हर जगह अपना प्रोडक्ट रखवाने की कोशिश कर रहे हैं।